अमेरिकी संसद कैपिटल बिल्डिंग पर पिछले सप्ताह हुए हिंसक हमले ने साबित कर दिया कि ट्रंप ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अब अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर डेमोक्रेटिक नेताओं के नियंत्रण वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा बुधवार को मतदान करने के लिए तैयार है। महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान के साथ ही ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया गया। सांसदों जेमी रेस्किन, डेविड सिसिली ने और टेड लियू ने महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे प्रतिनिधि सभा के 211 सदस्यों ने सह प्रायोजित किया। इसे सोमवार को पेश किया गया था। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मंगलवार रात को ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई के प्रबंधकों को नियुक्त किया। इसके मुख्य प्रबंधक सांसद रस्किन हैं। उनके अलावा डियाना डिगेटे, स्टेसी प्लास्केट, मेडलिना डियान, डेविड सिसिली ने, टेड लियू और जो नेगू से इसके प्रबंधक हैं। प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप को उनके पद से हटाने के लिए अमेरिका के निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस से 25वां संशोधन लागू करने की अपील करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन पेंस ने 25वें संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया है। पेंस ने प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखे पत्र में कहा, हमारे संविधान में 25वां संशोधन सजा देना या अधिकार छीनने का जरिया नहीं है। इस प्रकार से 25वां संशोधन लागू करना खराब उदाहरण पेश करेगा। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति के अध्यक्ष जेरोल्ड नेडलर ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए 50 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें महाभियोग चलाने के लिए मजबूत आधार पेश किए गए। इस बीच ट्रंप ने यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी को किए हमले के बाद अपने पहले भाषण में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले कभी इतने खतरे में नहीं थी। मुझे 25वें संशोधन से जरा सा भी खतरा नहीं है, लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन के लिए ये आगे खतरा जरूर बन सकता है। अब जबकि महाभियोग को लेकर मतदान बुधवार को होना है, तो डेमोक्रेटिक सांसदों के पास ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में पर्याप्त मत है, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन नेताओं के पास 50 के मुकाबले 51 का मामूली अंतर से बहुमत है। सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है। अब देखना है कि ट्रंप के महाभियोग किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट।